कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथि परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधवदेवपदम्। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्य तुम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट परमाराध्य गुरुदेव जी की असीम अनुकंपा से ये हरि चर्चा का प्रवाह में हम लोगों को आचमन से जैसे इसको पढ़ रहे हैं ऐसे ऐसे की बात जहाँ पर कुछ भगवान श्री कृष्ण चंद्र को मानने वाले व्यक्ति स्वयं को उनके भक्त बोल के अभिमान करने वाले व्यक्ति वो लोग क्या किया सुन लिया जो अपने लिए करते हो ऐसे भगवान के लिए करना आत्मवत सेवा। तो इसलिए उसको चाय पीने का आदत है वो अब चाय बनाकर भगवान को भी निवेदन कर रहा है क्योंकि आत्म सेवा हमको जरूरत पड़ता तो इसलिए उनको भी जरूरत पड़ता। मैं उनसे कहा कि देखो कुछ चीजें विचार करना होता है ऐसे करना तो ठीक नहीं होता तो फिर वो लोग फिर कर्मा भाई का खिचड़ी क्यों खाया तर्क शबरी का फल क्यों खाया तर्क। तो इसलिए बोलते हैं हम लोग खुद भावुक होके महाजनों के उन चीजों का जब लोग हम लोग अनुकरण करने का कोशिश करते हैं तो वो अनर्थ हेतु हो जाएगा सूचक हो जाएगा। इसलिए हमारे आचार्यों ने बता दिया इन इन चीज़ों को तुम लेकर के चलो उससे तुम्हारा मंगल होगा। यद्यपि वो सब चीज़ों को जब पालन करते समय शुष्क भाव आता है प्रारंभिक अवस्था में शुरू में ऐसा लगता है लेकिन यही व्यक्ति को अनुरागी बना देता है कृष्णानुरागी बना देता है। लेकिन जो प्रारंभिक अवस्था में भावुक होकर साधन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो लोग क्रम में आकर एक समय में आने के बाद पतित होते हैं ना कि परिपक्व नहीं होते हैं उनके जीवन में परिपक्वता नहीं आता है। अब आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो कि थोड़ा भावुक होके उत्तर भारत से किसी भी भारत के स्थान से ये बांकी वैरी या और वृंदावन यात्रा धाम यात्रा करने जाते हुए यहाँ से एक अद गोपाल का मूर्ति खरीद के ले जाते हैं और थोड़ा सा भावुक होने के जैसे थोड़ा सा उस समय सेंटिमेंटल हो जाते हैं यहाँ की एनवायरनमेंट से फिर उसके बाद धीरे धीरे जिस हिसाब से उन लोगों का रहन सहन जीवन शैली सब रहता है वो स्पष्ट तरीका से दर्शाता है कि ये लोग केवल पतित ही हो रहे हैं। कोई कोई होता है उनमें ऐसा नहीं कि सभी पतित हो जाते हैं कोई कोई होता है जो कि निष्कपट जीव होता है उसका इस प्रकार का जो साधन भावुक साधन ही सही वो उसको सत्संग में लेकर के चला जाता है जहाँ पर उसको दिशा मिल जाता है। अन्यथा अधिकांश स्वेच्छाचारी साधक कभी भी
सिद्धि लाभ किया ऐसे देखने में आता नहीं है। तो इसलिए हमारे आचार्यों ने बता दिया, इस तरीके से करो, विधि मार्ग में चलो, और विधि मार्ग में चलने के लिए सारी साधना के अंग जो है यहाँ पर बताया जा रहा है, ऐसा ऐसे करो ऐसा नहीं करो, इस तरह की जो है डूस एंड डोंट जितने भी होते हैं, ये व्यक्ति को सिर्फ रेगुलेट करने के लिए नहीं होता है, उसको परफेक्शन लाने के लिए भी होता है। उसके लाइफ में परफेक्शन आए उसके लिए उसको क्या और क्या नहीं, इसको समझ के चलना पड़ता है, नहीं है तो आता नहीं। नहीं तो कई लोग अक्सर बोलते हैं भजन में इन चीज़ों की क्या जरूरत है, भजन में तो किसी भी चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ता। जब एक साधक साधन करते करते क्रमोन्नति के साथ में जब राग मार्ग में प्रवेश करता है, उसके बाद तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का नियम नहीं होता, क्योंकि प्रेम का कोई नियम नहीं होता कि कोई कंडीशन के साथ में प्रेम को एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, और ना ही किसी कंडीशन में बॉन्ड नहीं है। लेकिन उस लेवल तक जाने से पहले ये सब चीज़ें जरूरी है, वो इसलिए वो व्यक्ति को साधक को रेगुलेट करते हुए उस लेवल तक उसको लेके जाते हैं। इसीलिए बोला कि महाजनों ने जिस परिपाटी को दिखाया, जिस सिद्धांत को दिखाया, जिन आदर्शों को सामने रखा आचरण करने के लिए, उन्हीं का अनुगमन करना है। यद्यपि प्रारंभिक अवस्था में कष्ट हो सकता है, लेकिन इसका जो फल होता है, परिणाम, वो बड़ा ही मधुर होता है, अद्भुत होता है, ये बात है। इसलिए अर्जुन ने भी कृष्ण से यही बात कहा है, बोलते यत् श्रेयश्चात् निश्चितं ब्रूहितन्मे, आप मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है वो निर्णय करके बता दीजिए, यद्यपि आपकी कही हुई बात का पालन करना मेरे लिए कठिन भी हो सकता है, तब भी मैं उसका पालन करूँगा, तभी मैं उसका पालन अवश्य ही करूँगा, ऐसा नहीं कि मैं उसका पालन नहीं करूँगा। क्यों कि मेरे लिए श्रेयस्कर वही है जो आप निर्णय करेंगे। तो इसलिए बोलते हैं हमारे लिए यही है श्रेय मार्ग, जो हमारे गुरुजनों ने, महाजनों ने हम लोगों के लिए गाइडलाइंस जो सेट करके गए हैं, उसी का पालन करने पर हम लोगों का जीवन में सिद्धि लाभ होगा। इसलिए यहाँ पर बताया इन इन कार्य को करो, क्या करो, भक्ति शास्त्रों का पाठ करना है, ग्रंथ अध्ययन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, श्रवण के साथ साथ में अध्ययन भी बहुत ज़रूरी है, हरिकथा सुनने के बाद, और उसके बाद उसको जब तक व्यक्ति अध्ययन नहीं करेगा और मनन नहीं करेगा तो फिर लाभ होता नहीं, कोई भी वस्तु हमारे दिमाग में रह नहीं पाता, वो चला जाएगा। वो तो असल में बोले भक्ति शास्त्रों का पाठ करना है, वैसे तो लगातार सुन सुन के भी वस्तु, अब जैसे श्री गुरु महाराज जी ने जीवन के साधना के सूत्र दे दिया, कुछ एक चीज़ें गुरुजी ने ऐसे बता दिया, वो लगभग थोड़ा सा सुनने से सबको याद भी आ जाता है, या नहीं है तो कईयों के दिमाग में बैठ ही गया। जैसे गुरुजी जलजा नवलक्षणी वाली बात जो बताते हैं, 84 लाख योनियों को लेकर के जीव कैसे भ्रमण करता है, फिर उसके बाद गुरुजी आता है श्री कृष्ण नाम आदि की जो बात बताते हैं, लब्ध्वा सुदुर्लभिदम वाली बात जो बतलाते हैं, ग्रंथेर आरंभ करी मंगलाचरण वाली बात जो बताते हैं, शरणागति की जो बात बताते हैं,
बोल के बोल के बोल के बोल के उसको मतलब है कि एक जो उसका हाँ उसका व्यक्ति के दिमाग में उसके हृदय में उसको धा करके जैसे बैठ जाए ऐसे गुरुजी बोलते हैं। और इसीलिए सब बैठ करके यद्यपि गुरुजी ने ये बात कल भी बोला है ना, शेष में गुरुजी ने ऐसी लीला किया। हर दिन गुरुजी ने एक पृष्ठ लेना है, एक कागज लेना है, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। मंगलाचरण की तरह गुरुजी उसको पढ़ते थे और सब सुनते भी थे, सबको पता था कि गुरुजी ये बात बोल रहे हैं। लेकिन गुरुजी भी इतने बार सुनाया, उनको मालूम था एक बार सुना के मैं आगे बढ़ जाता या इसके अंदर जो है इसको इम्प्रोवाइज करके बोलता या इसकी वेरिएशंस दिखाता तो लोगों के दिमाग में घुसना नहीं था, वो तो वैरायटी के चक्कर में पड़ जाना था। अब जैसे मठ में प्रसाद होता है, किसी से भी पूछ लो, आंख बंद करके बोल सकता है, दाल बनेगा, सूखा बनेगा, रसा बनेगा, खीर बनेगा, चावल बनेगा, चटनी बनेगा, मतलब ये बनेगा ही बनेगा। हर दिन का नियम ये बनेगा ही, मतलब उसको पता चल जाता है। और कई कई बार किसी किसी महीना में तो जैसे हम लोग कार्तिक इत्यादि में तो बहुत सारे वैरायटीज तो खा नहीं सकते, इसीलिए उनको पता चल जाता है कि सब्जी भी क्या बन रहा है, दाल भी क्या बन रहा है। मतलब एक ही चीज को बार 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 करने से वो चीज का एक छाप जो है वो अंदर बैठ जाता है। इसे ना करने पर, एक बार सुनने पर, एक बार देखने पर वो याद नहीं रहता। कोई महान श्रुतिधर होगा, सिर्फ उसके अंदर रहता है। और आजकल हमारी आधुनिक जो टेक्नोलॉजी की कृपा से सबकी सबसे ज़्यादा अगर कोई मारा गया है तो व्यक्ति का स्मरण शक्ति मारा गया। पहले तो ये था नहीं, लोग बोलते पहले के लोगों को देखो कितने स्वस्थ थे, कितना उन लोगों का मेमोरी शार्प था, कितने हेल्दी थे। उन्होंने तो होना ही था, क्योंकि उस समय जो है प्रकृति के ऊपर ऐसी अत्याचार तो था ही नहीं जो कि आज हो रहा है। 97 में इंटरनेट कितने लोग जानते थे, 98 में जब श्री चैतन्य गौड़िया मठ का जो वेबसाइट बना था तब भी इंटरनेट क्या है ज़्यादा लोगों को नहीं पता था। डायल अप कनेक्शन होता था, टेलीफोन का तार फंसाते थे कंप्यूटर में, फिर उसके बाद प्रसाद पा के आते थे तब कंप्यूटर चालू होता था, ऐसा था। जितना जैसे जैसे एडवांस हो गया उसका इफेक्ट दिमाग के ऊपर ज़्यादा पड़ गया। अब देखो आप 5G नेट को लेके दुनिया में विरोध भी हो रहा है कि नहीं उसको नहीं चलाना, क्योंकि रेडिएशन इतना हाई हो जाएगा उससे कि जीना ही मुश्किल हो जाएगा। ये जो एंड्रॉयड फोन्स वगैरह है, लोगों के नज़रें खराब हो रहा है, दिमाग के नस कमज़ोर हो रहा है, रेटिना खराब हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। ऐसी जब सब ठीक ठाक था, सब कुछ ठीक ठाक था, तब भी भोग के इच्छा से संसार में बद्ध हुआ जो जीव भगवान को स्मरण नहीं कर पाया था। मतलब ये सब संसार के अंदर संसार के लिए अनुरूप वातावरण सुंदर होने के बाद भी बाद व्यक्ति नहीं कर पाया। आज तो भोग की वस्तुएं भी बढ़ चुके हैं, पहले फोन करना होता तो इरिटेशन भी होता था, पैसा भी बहुत लगता था कॉल का और इरिटेशन भी होता था, क्योंकि वो रिंग वाला होता था, झूम झूम ऐसे घुमाओ, 10 नंबर घुमाना है तो उसको ऐसे 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 करते करते रीडायल करना, पागल हो जाता है लोग। अभी तो इतने इतने साइज में आ गया, अभी तो कहीं से भी बैठ के कर लो, हाँ मोबाइल बन के आ गया, कहीं से भी कर लो, और एक डायल भी करने की जरूरत नहीं होता, टच करने से ही हो जाता है। कितना कुछ हो गया अभी तो,
और ऐसी समय के अंदर दिमाग जो है भोग में फंस फंस के और भी कमजोर हो गया है। इसीलिए ऐसे टाइम में महाजनों का जो वाणी है उसको एक कुठार की तरह, एक हथौड़ी की तरह उसको व्यवहार करना पड़ता है और दिमाग पे बार बार मारना होता है, धाम धाम धाम, श्रवण के माध्यम से, फिर उसके बाद मनन के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है भक्ति शास्त्रों का पाठ करना, क्योंकि हरिकथा में जो कोई भी बोलते हो एक स्थान पे रह करके विशेष रूप से बोलना संभव पर होता नहीं। अभी तो लॉकडाउन के कारण हम लोग एक विषय को लेकर के चर्चा कर रहे हैं लंबा चौड़ा, नहीं है तो यात्राएं रहने के कारण एक स्थान में रह के एक चीज को लेकर के विचार करना संभव पर नहीं है। तो इसीलिए कोई भी वस्तु का पूर्ण रूप से उसके संबंध ज्ञान हम लोगों को प्राप्त नहीं हो सकता अगर हमने अध्ययन साथ में नहीं किया तो। इसलिए बोले कि शास्त्रों का अध्ययन करना है, पढ़ना है, उनको ग्रंथ पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। विशेष करके महापुरुषों ने उन ग्रंथों के ऊपर अपनी जो विचारों को व्यक्त किया उनको पढ़ना और ज्यादा जरूरी है। वस्तु जैसे अभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता जी का जो उपदेश दिया, सीधा पढ़ने वाला व्यक्ति उसको ठीक से नहीं समझ पाता। कोई व्यक्ति उसमें से कर्म को समझता है, कोई उसको ज्ञान को समझता है, कोई उसको कुछ और समझता है। लेकिन जब हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के विचारों को लेकर के चलते हैं तो उसके अंदर ये पूर्णतः अलग वस्तु दिखाई देता है, शुद्ध भक्ति दिखाई देता, प्रेम भक्ति दिखाई देता। तो इसलिए महापुरुषों के विचारों के साथ युक्त जो सिद्धांत है, शास्त्र है, उसका पाठ करते रहना चाहिए। हर व्यक्ति को बैठ के ग्रंथ पढ़ना चाहिए समय निकाल कर। ग्रंथ ना पढ़ने पर ये गोस्वामियों ने इन ग्रंथों की रचना ही इसलिए किया कि ग्रंथ पढ़ेगा तो ही व्यक्ति साधक जो है परिपक्वता को प्राप्त करेगा, सिद्धांत को समझेगा, तभी साधक के जीवन में परिपक्वता आएगा। अगर सिद्धांत है शुष्क है, रसमय नहीं है, इस तरह के विचारों को लेके जो इसका परित्याग करेगा तो व्यक्ति कभी भी कृष्ण में अपने मन को नियोजित नहीं कर पाएगा। इसलिए बोल दिया स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने, सिद्धांत बोलिया चित्त ना कर आलस। सिद्धांत है, कोई लीला सुनाओ, कोई कहानी सुनाओ, इस तरह का जो विचार होता है वो कभी भी कृष्ण में जो है उसका मन स्थिर नहीं हो सकता। सिद्धांत से ही स्थिरता आता है, सिद्धांत से ही परिपक्वता आता है। परिपक्व अवस्था में जब व्यक्ति गुण रूप लीला आदि का जब चिंतन करता है तब उसको आनंद आता है, प्रेम उदित होता है। ये विशेषता है, फाउंडेशन जो है सिद्धांत वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसको हम लोग उपेक्षा नहीं किया जा सकता। इसलिए वो सिद्धांत कहाँ से प्राप्त होता है, ये भक्ति शास्त्रों में से प्राप्त होता है। और साथ में ये भी बोल रहे हैं मथुरा वास, धाम वास बहुत ज्यादा जरूरी है। धाम वास ना करने पर हम लोग जैसे स्थान में रहते हैं ऐसा ही वातावरण वहां से, ऐसे ही एनर्जी वहां पर हावी होता है, जनरेट होता है। तो इसे बोलते हैं कि धाम वास करना है, मथुरा में वास करनी है, वृंदावन में वास करना है, गोवर्धन जी में वास करना है, ये बात यहाँ पर बताया जा रहा है। नवद्वीप धाम में वास करना है, पुरुषोत्तम धाम में वास करना है, धाम में वास करना है, तब जा करके लाभ होता है। अब हर व्यक्ति धाम में तो जा नहीं सकता,
अपने पारिवारिक कार्य रहते हैं या संसार के उलझने रहते हैं, बहुत कुछ रहता है। इसीलिए बताया जो स्थान में तुम वास करोगे वो स्थान को धाम का स्वरूप देना। धाम का स्वरूप कैसे आएगा? मूर्ति रखने से ही नहीं आ जाता है, गुरु कृपा से आता है और गुरुदेव को आगे करने से आता है। इसीलिए हम लोग गुरु परंपरा को लेकर के चलते हैं। सिर्फ भगवान रहेंगे तो वो धाम नहीं होता, भगवान का भक्त भी साथ में युक्त होकर के रहेंगे तो ही धाम होता है। धाम कंप्लीट तब होता है जब भगवान और भगवान के भक्त दोनों ही हो, और दोनों ही जब हैं, क्योंकि भक्त प्रणयी भक्त है तो भगवान के साथ में, भगवान के साथ में लीला विलास करते हैं, प्रेम विलास होता है, वो स्थान भगवान का धाम होता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने दुनिया के आगे इस बात को बड़े सुंदर तरीका से स्पष्ट किया कि बाग बाजार गौड़िया मठ का जो हिस्सा जिसमें वो वास कर रहे थे, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कहा कि ये इस जगत का हिस्सा नहीं है, ये कलकत्ता का हिस्सा नहीं है। क्योंकि श्री गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज ने बोला था कि कलकत्ता में नहीं रहना। किसी ने बोला कि भाई गुरुदेव ने ये कहा कि वहां नहीं रहना, आप तो वही रहे। तो प्रभुपाद जी उस बात को स्पष्ट वो कर रहे हैं कि वास्तविकता में हम कभी कलकत्ता में रहा ही नहीं। बहुत सारे शिष्य ने कहना बोलते हमने तो कभी शिष्य किया ही नहीं, वो तो हमेशा शिष्य को प्रभु संबोधन करते थे, अपने गुरु रूप में संबोधन करते थे, उनको भी प्रणाम किया करते थे, क्योंकि ये सब महाप्रभु के प्रेरित जन है, मेरा आश्रित जन नहीं है। उन्होंने कभी ये दर्शन ही नहीं था कि ये सब जो है मेरे आश्रित है, ये सब तो महाप्रभु के प्रेरित जन है, क्योंकि महाप्रभु ने बताया उनको हम भेजेगा सब तुम्हारे पास, वो फिर शब्द नहीं थे, उनका उनका समर्पण और विश्वास भी था उस पे। इसलिए प्रभुपाद जी का दर्शन ही ऐसा था कि प्रभुपाद जी ने उन सबको अपने प्रभु रूप में दर्शन किया। इसीलिए कोई भी प्रणाम करता प्रभुपाद जी सामने से प्रणाम करते, ये भी सुना मैं। इसीलिए कई प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे वो प्रभुपाद जी को प्रणाम ही नहीं करते थे सामने से, क्योंकि वो फिर सामने से वो भी करेंगे। अब अगर हम गुरु महाराज जी को भी देखते हैं, गुरु महाराज जी का कभी भी हाथ खुला नहीं देखा, हमेशा गुरु जी का हाथ जुड़ा ही हुआ रहता था। जो कोई भी प्रणाम करे गुरु जी हाथ जोड़े ही हुए हैं, एक तरह से गुरु जी के दर्शन से देखते हैं, दृष्टि से तो गुरु जी भी प्रणाम ही कर रहे हैं। अगर गुरु जी के स्तर से खड़े होकर के देखने की कोशिश करते हैं तो ऐसा नहीं कि उन्होंने हमारा प्रणाम स्वीकार किया वाली बात है, स्वीकार करते भी हैं लेकिन वो अपने लिए नहीं करते, परंपरा के हिसाब से, वो गुरुस्थान के हिसाब से उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन स्वयं हमेशा गुरु जी का हाथ जुड़ा ही रहता था, हमेशा जुड़ा रहता है, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। तो जो प्रभुपाद जी वो बताते हैं कि हम तो बाग बाजार में तो कभी रहा ही नहीं है, हम तो भगवान श्री राधा कृष्ण का स्थान है ये, भगवान श्री राधा कृष्ण जहाँ विराजमान है वो गोलोक वृंदावन है, वो तो कलकत्ता का हिस्सा नहीं हो सकता। कितना उच्चतम दर्शन है। इसलिए वो वहां रहकर उन्होंने जो भी करना था विश्व के अंदर, एक क्रांति जो लेके आना था, शुद्ध भक्ति का एक प्रवाह जो लेके आना था, उन्होंने वहां पर आकर उन्होंने वहां से प्रवाहित की है। वो वही स्थान है मायापुर चैतन्य मठ, कलकत्ता का बाग बाजार मठ, वही स्थान है जहाँ से प्रभुपाद जी ने इस धारा को प्रवाहित किया पूरा विश्व के अंदर। तो इसलिए बोलते हैं धामवास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धाम में क्या होता है? उद्दीपन होता है, स्मरण होता है। उसमें राधा कुंड तट कीर्तन में आता है, क्या बोलते हैं,
तू है उद्दीपक अमार प्राण, हमारे प्राणों के लिए जो है मतलब है कि किसी स्थान का दर्शन करने पर उससे जुड़ी हुई लीला और जो इष्ट ये सब कुछ सामने आ जाना, मतलब उनका स्मरण स्फूर्ति आ जाना। जैसे अभी सच्ची माता साग बनाती थी तो उनको महाप्रभु का उद्दीपन हो जाता था, क्योंकि निमाई को ये साग पसंद है, निमाई इसको बड़े प्यार से खाता था, ऐसा। हाँ ऐसे। अब इसीलिए राधा कुंड को देखने से यहाँ तो कृष्ण ने ये लीला किया था, कुसुम सरोवर को देखने से ये लीला किया था, लीला का उद्दीपन हो जाता, मतलब वो प्रकट हो जाता है वहां पर, ऐसा। तो इसलिए ये सारे स्थान, धाम का जो स्थान, अब जैसे हम लोग जैसे कलकत्ता जाते हैं, गुरु महाराज जी के भजन कुटीर में जाते हैं, है ना, फलाने साल में जो है मैं वहाँ पे आया था और गुरुजी ने तब मुझे ये बात बोला। मामूली टाइम में याद नहीं भी आता हो, जरूरी नहीं कि 24 घंटा याद आता ही रहता है, लेकिन जैसे उस स्थान में जाएंगे वो निकल के आ जाता है सामने से, ऐसा। अब गुरुजी यहाँ आए थे 2011 में, आश्रम में आए थे और गुरुजी से जो वार्तालाप हुआ लगभग सभी बातें याद है, ऐसे तो याद रहे ना रहे लेकिन कमरे में घुसने से एक आ जाता है कि गुरुजी यहाँ विराजमान हुए थे, फिर उसके बाद गुरुजी ने ये कहा था, गुरुजी ने ये किया था, ऐसा हो जाता है। अब गुरु महाराज जी का हम लोग तो चलो मैं अपनी बात करूँगा तो बदजीव वाली बात है, गुरुजी का अगर हम विचार लेते हैं, गुरु महाराज जी 2004 में मुझको बोल रहे थे कि ये कमरे में आने से हमको हमेशा ये अनुभव होता है कि हमारा गुरुजी यहाँ बैठ के हमको आदेश दे रहा है, ना ना कलकत्ता में गुरुजी परम गुरुजी का भजन कुटीर में एक गुरुजी ने अपने मुख से ये शब्द डायरेक्टली बोला था। ये जो गुरुजी के कमरे में परम गुरुजी का फोटो है ना बड़ा सा, ये जो बड़ा सा पेंटिंग पहले वाला सामने जो फोटो, उसका एक कटआउट सा बना के हम लोगों ने परम गुरु जी के शतवार्षिक में व्यवहार किया था, मधुसूदन महाराज जी ने जो मुंबई में किया था, बाद में वही कटआउट को हम लोग कलकत्ता लेके गए थे। वो इतना सुंदर तरीका से कट हुआ था, ऐसे रखने से लगता है परम गुरु जी बैठे हुए हैं। तो इसीलिए उसी को जो परम गुरु जी का भजन कुटीर के अंदर जहाँ प्रणाम करने वाला स्थान है वहां पर फ्रेम करके लगा दिया। जब गुरुजी रोज पुष्प अर्पण करने के लिए जाते हैं, प्रणाम करने के लिए जाते हैं, उस दिन जब गए थे तब मैं उधर था और भक्तों के साथ दर्शन करने, क्योंकि मैं मुंबई से आया था, गुरुजी को ये बात मालूम है और बनाया महाराज जी ने, इसी कारण से गुरुजी कमरे में जाते जाते मुझको बुला के ये बात बोल के कमरे में चले गए थे। वो फोटो के बारे में भी बताया और इसके अलावा गुरुजी साथ में ये एक शब्द बोल रहे थे कि ये कमरे में आने से प्रणाम करने से हमको ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारे गुरु महाराज जी यहाँ बैठ के हमको आदेश दे रहे हैं। इसीलिए आप देखो इतने वृद्ध होने के बाद भी गुरुजी वहाँ जाके प्रणाम करके वो फोटो के सामने थोड़ा रो रहे थे, गुरुजी तो हाँ गुरुदेव मुझे क्षमा करें कृपा करें करके गुरुजी कैसे विवल हो रहे हैं, ये बात है, क्योंकि वहाँ पर वो व्यक्तित्व को अनुभव कर रहे हैं, उनकी उपस्थिति को वो स्थान, और उल्टा उस स्थान में जाने पर अब भजन कुटीर में जाके बिस्तर को तब हाथ फेरता है कोई व्यक्ति, वो सिर्फ बिस्तर समझता है, तो अब मेरे जैसा आदमी तो बिस्तर समझता है इसीलिए वहाँ जाके हाथ भी नहीं डालता है, प्रणाम करके आ जाता है, लेकिन गुरु जी वहाँ जाके उसके ऊपर ऐसे हाथ फेर रहे हैं कि जैसे अभी मेरे गुरुदेव इसके ऊपर शयन कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, ये उद्दीपन है, ये सब चीज़ें उद्दीपन है। कुर्सी में हाथ डाल रहे हैं कि गुरुजी यहाँ बैठे हैं, पादुका को कैसे स्पर्श करते हैं, वो हमारी वो पादुका का स्पर्श भी मतलब किसी व्यक्ति के परिकल्पना से परे वस्तु है, जिस हिसाब से ऐसा नहीं है जैसे हम अगर हाथ डालते हैं तो ऐसे करके आ जाता है, जैसे
गुरु महाराज जी ऐसे नहीं है, पूरा जैसे चरण स्पर्श कर रहे होते हैं उस तरीका से गुरु जी करते हैं। उसका कारण क्या है? पादुका देखने से चरण का स्मृति आता है, उद्दीपन आता है, तो इसीलिए वो दिखता पादुका को स्मरण हाथ लगा रहे, लेकिन पादुका के साथ साथ वो अपने गुरुदेव के दोनों चरणों को भी हाथ लगा रहे होते हैं ऐसा। तो इसलिए बोले धाम में जाने से कृष्ण लीला का स्मरण होता है, उद्दीपन होता है। ब्रह्मांड घाट गए हैं, वहां जाते ही याद आ जाता है कि कृष्ण ने यहां पर मट्टी खाया था। हम जानते हैं कृष्ण ने मट्टी खाया, लेकिन पूरा साल याद नहीं आता है ना, पूरा साल याद कहां आता है। लेकिन उस स्थान में जैसे जाते हैं इधर क्या हुआ, और एक बार नहीं हजार बार जाएंगे तो भी ये बात याद आ जाएगा कि ये जगह पे जो है उन्होंने मट्टी खाया था, यहाँ उकल से बंधा था, ये नंद भवन है, ये है, ये वो है, रमंड्रित यहाँ खेला था। ऐसे व्रज के अंदर तो इसलिए बोले धामवास अत्यंत आवश्यक अंग है, भक्ति का अंग है धामवास, बहुत जरूरी है धाम में। इसीलिए कार्तिक मास में नियम सेवा में विशेष करके धाम में रह करके व्रत करने का एक प्रावधान था। बाद में इतने सारे जो मठों का स्थापना हुआ तो फिर वो लोग कार्तिक व्रत के अंदर फिर मठ में रहकर करने का व्यवस्था किया, क्योंकि मठ धाम ही है, धाम का भिन्न स्वरूप है, इसलिए जो मठ में रहकर वहाँ पर व्रत करने का व्यवस्था किया। मतलब गुरु स्थान में शुद्ध भक्तों का स्थान में भगवान का श्री विग्रह जहाँ पर है शुद्ध भक्तों के द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित, उस स्थान में रहकर वास करने को वहाँ पर महत्व दिया। इसलिए धामवास का बड़ा ही अद्भुत महिमा है। व्रजमंडल परिक्रमा में लोग आते हैं, परिक्रमा करते हैं, पूरा चार्ज होके फिर उसके बाद निकलते हैं। ऐसा लगता है एक कार्तिक खत्म होने के बाद, व्रजमंडल परिक्रमा खत्म होने के बाद एक अलग तरह का ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। ऐसा दर्शन बदलता है, ऊर्जा एक नई ऊर्जा आता है, सेवा का एक नया भाव, एक उमंग आता है, सब कुछ आता है। परिक्रमा इत्यादि धाम में वास करने पर, ये सब करने पर, इसीलिए बोलते हैं धामवास करना है, ग्रंथ पाठ भी करना है। पैसा नहीं है, गरीबी है या मजबूरी है, कई सारे कारणों से कोई कोई लोग धाम में नहीं आ पाते। भगवान उनके ऊपर भी परम कृपालु है, कभी भी भगवान ने नहीं कहा कि तुम्हें आना पड़ेगा। कम से कम अपने हृदय को धाम बना लोगे या अपने आसपास के परिवेश को धाम का रूप दे दोगे तब भी तुम्हारा हित ही होगा। शेष में तो यही है कि हृदय को धाम बनाना है। जैसे श्री राधा जी ने इस बात को कहा था कि दूसरों का मन तो मन है, लेकिन मेरा मन जो है मन नहीं है, वो वृंदावन है। श्री राधा जी का हृदय जो है वृंदावन है, उसी में गोवर्धन भी है, उसी में राधा कुंड है, उसी में सब कुछ है। इसीलिए हृदय को धाम बनाना है। भगवान वहां पर आके बैठे, गुरुदेव वहां पर आके बैठे, नाम प्रभु वहां पर आके बैठे, ऐसे अपने हृदय को हमने बनाना है। वो बनाने के लिए धाम में जाके वास करेंगे तो लाभ होगा, नहीं है तो कम से कम गुरु वैष्णव को स्मरण करते हुए जिस स्थान पे हैं वहां पर गुरु वैष्णव के अनुगत में रह के जब हम भगवान का सेवा करेंगे तो भी हमारा धामवास ही हो जाएगा, तो भी धामवास ही हो जाएगा। और बोलते भक्त सेवा, भक्त सेवा बहुत ज्यादा जरूरी है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने कीर्तन में तो बता ही दिया, भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेम लतिका का जो मूल है वो क्या है, भक्त सेवा ही है, जो कि परम सिद्धि है। उससे बढ़कर के और कोई सिद्धि है ही नहीं है।
इसलिए बोल दिया शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भजन के लिए अनुकूल शुद्ध भक्तों के चरण रेणु है, उनके चरणों का धूल ही भजन के लिए अनुकूल है और उनका सेवा सबसे श्रेष्ठतम सिद्धि है। इसके अंदर तत्त्व कर्म को लेकर के जहां पर विश्राम दिया गया है वहां श्री सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज ने इस बात को विशेष रूप से उल्लेखित किया कि भगवान के नाम के प्रति समर्पण मतलब हरिनाम और उसके बाद साधु सेवा भक्त सेवा से बढ़कर के कोई और तत्त्व कर्म है ही नहीं। एक तरह से हमारे परमाराध्य परम गुरु महाराज जी ने इसीलिए अपने जीवन के अंदर भक्त सेवा का ही आदर्श को प्रकट किया। हर जगह पे उन्होंने भक्त सेवा का ही आदर्श को प्रकट किया। परम गुरु महाराज जी भगवान का नाम और भक्त सेवा, हरिनाम और भक्त सेवा, वैष्णव सेवा, यही दो चीजों को लेकर के गए हैं और हमेशा बोलते रहे हैं आज जो तुम्हें मौका मिल रहा है उसको अवेल कर लो, क्योंकि तुम अपने लिए कल भी कर सकते हो लेकिन कल ये मौका रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। किसी किसी गुरु भाई को उदास होते हुए देखा जहाँ पर ये बोलते हुए कि गुरु महाराज जी परिक्रमा करते करते इतना 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 चला करते थे और कथा करते थे, घंटे घंटे बैठा रहा करते थे, कभी भी एक बार भी मन में नहीं आया कि गुरुजी को चरणों में दर्द हो रहा होगा, कभी चरण सेवा ही कर दें। और अभी जब ये समझ में आता है तो गुरु महाराज जी प्रकट नहीं है। ऐसा किसी किसी को जैसे ऐसे ही गुरुवर्ग भी, कल एक बच्चा मुझे परम पूज्य पाशल भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोसाई महाराज जी के बारे में यही बतला रहा था कि महाराज जी ने जब इतना प्यार किया, इतना स्नेह किया, तो कभी उस तरीका से उनका सेवा करने का समय भी मिला नहीं, मौका भी मिला नहीं, या यूं कहे कि हमारा दिमाग भी खुला नहीं। आज जो सेवा करने का इच्छा होता है महाराज जी प्रकट नहीं है ऐसा। इसलिए गुरु महाराज जी और परम गुरु महाराज जी ने इस तरह की चीज़ों को कभी भी बढ़ावा देने नहीं दिया। वो हमेशा बोलते थे प्रायोरिटी जो है वो वैष्णव सेवा है, साधु सेवा इज प्रायोरिटी हमेशा, क्योंकि भक्त सेवा से ही भगवत कृपा है, भगवान का कृपा भक्त कृपानुगामी है। परम पूज्यपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, महाराज जी के साथ मैं आखिरी बार जब जलंधर गया था शायद 2015 में हो सकता है, मुझे याद नहीं, जब मैं उनके साथ आखिरी बार गया था जलंधर, तो महाराज जी गाड़ी से उतरे, मैंने महाराज जी से कहा कि मंदिर खुला है कि नहीं, वो देख रहे हैं मंदिर चलते हैं। महाराज बोलते हैं नहीं, पहले मंदिर नहीं जाएंगे। महाराज जी जो मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रख के चल रहे थे और कीर्तन चल रहा था, इसलिए महाराज धीरे मेरे कान में बोल रहे थे उस समय, बोलते मंदिर नहीं जाएंगे पहले। मैं बोला फिर कहाँ जाएंगे? महाराज बोलते हैं पांडे जी के पास जाएंगे सबसे पहले, ऐसा बोला था महाराज जी ने। मैंने बोला दर्शन करके फिर आ जाते हैं, फिर थोड़ी देर बैठते हैं। महाराज बोलते नहीं। फिर महाराज जी ने एक श्लोक सुनाया मुझे, मेरा तो स्मरण शक्ति कमजोर है इसलिए मुझे याद नहीं। महाराज जी उस श्लोक का अर्थ ये था कि भक्त दर्शन और भक्त के कृपा के बाद ही भगवान का कृपा है। वो श्लोक जो है यही कह रहा है, उस श्लोक का अर्थ जो महाराज जी श्लोक सुना के फिर उसके बाद महाराज मुझे बोल रहे थे भक्त से कृपा लेंगे तो ही भगवान कृपा करेंगे, इसीलिए हमें पहले भक्त दर्शन के लिए जाना होगा, वैष्णव दर्शन के लिए जाना होगा।
फिर महाराज जी उनके कमरे में गए, उनको दोनों आपस में मिले, फिर महाराज जी ने जो भी उनके साथ करना था वो सब करके उसके बाद महाराज जी फिर मंदिर में आए थे। सीधा मंदिर में नहीं गए थे, बोलते भक्त की कृपा लो फिर भगवान का कृपा होगा। और एक समय चंडीगढ़ मठ के अंदर भी मैं किसी चीज़ को लेके महाराज जी से बात कर रहा था, मैं महाराज जी को बोला कि जो शुद्ध भक्त भगवान का स्वरूप को प्रकट करते हैं वो जब इस जगत से अप्रकट होते हैं तो वहाँ पर उनके द्वारा प्रतिष्ठित विग्रहों को किस लिए रहना पड़ता है, भगवान तो भक्त के लिए है। अब भक्त कुछ समय रहकर जब चले गए हैं तो वहाँ पर भगवान को रहने की जरूरत क्या है, है ना? तो मेरे विचार से मुझे लगता है कि ठाकुर जी रहते नहीं है। मैंने जो अपनी एक अल्पबुद्धि से मैंने इसे बोला महाराज जी को, महाराज जी ने तो उसको लेकर के कुछ बोला नहीं, लेकिन एक बात जरूर बोला। महाराज जी बोलते देखो इसीलिए हम लोग भक्तों के पीछे जाके दर्शन करते हैं, क्योंकि जब अब जैसे हम लोग प्रणाम करते हैं हमेशा कैसे होता है, क्रम से प्रणाम होता है। पहले जैसे जैसे व्यक्ति का जो स्थिति है उसके अनुसार प्रणाम होता है, आगे पीछे नहीं होने देते। उसका कारण ये है क्योंकि वो बोलते हैं जैसे भक्त है वो जब भगवान के आगे प्रणाम करता है तो भगवान को कृपा करना ही पड़ता है, क्योंकि वो भक्त है उसके लिए भगवान कृपा करते हैं। उस समय उस भक्त के अनुगत में हम लोग एक के पीछे एक ऐसे प्रणाम करने का पीछे अभिप्राय यह है कि हम सब भगवान की सेवा में अनुगत में है, स्वेच्छाचारी तरीका से नहीं, कोई इधर से कर रहा है कोई उधर से कर रहा है कोई कहीं से कर रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा यहां पर यह है कि हम अनुगत में हैं, श्रेष्ठ के अनुगत में हम आपके आश्रित हैं। उससे क्या है, जो श्रेष्ठ के ऊपर भगवान का कृपा होता है वो कृपा अनुसंगिक रूप से उनके अनुगत करने वाले सभी के ऊपर हो जाता है। ये उसका वैशिष्ट है, सबके ऊपर कृपा हो जाता है। इस कारण से महाराज बोलते हैं हमेशा गुरुदेव के अनुगत में रह के भगवान को प्रणाम करना चाहिए। भगवान तो रहते ही हैं, लेकिन अल्पबुद्धि वाले लोगों को समझाए कैसे। तो इसीलिए महाराज जी ने जो है मुझको इस तरीका से उस समय ये बात को बोला उन्होंने। तब से जब तक मैं महाराज जी के साथ जहाँ जहाँ भी रहा, जब महाराज जी प्रणाम करने के लिए जाते हैं उस टाइम उनके साथ में जाके तब प्रणाम जरूर किया करता था। खुद तो जब करना होता तो कर ही लेता था, लेकिन जब महाराज जी के साथ जरूर जाके उनके पीछे से फिर प्रणाम करके आता, क्योंकि भक्त के लिए भगवान है, उत्तम शिष्य के लिए तो गुरुदेव है। जब गुरु जी का आदर्श मानते नहीं, गुरु जी के विचार नहीं मानते, गुरु जी के आचरण नहीं मानते, तो गुरु जी ने किस लिए हमारे सामने आना। तो इसीलिए जो शरणागत शिष्य होगा वो जब गुरु जी के सम्मुख में जाता है, गुरु जी के भाव में भावित होके जाता है, तब गुरुदेव उनके ऊपर कृपा करते हैं। जब हम उनके अनुगत में वहाँ पहुँच जाते हैं अनुसंगिक रूप से हमारे ऊपर भी कृपा हो जाता है, ये विशेषता है। तो जो भक्त सेवा ही श्रेष्ठतम सिद्धि है, उससे ऊपर और कोई साधन नहीं है। अभी परम पूज्यपाद भारती महाराज जी से गुरु महाराज जी ने बहुत सारी शिक्षाएं तो प्रदान की है, लेकिन मुझे पूज्यपाद भारती महाराज जी के साथ कुछ समय व्यतीत करने का जो मौका मिला है उसमें कुछ चीज़ें मैं समझ पाया अपने अल्पबुद्धि से। महाराज श्री तब मैं कलकत्ता मठ में थे, हम लोग पुरुषोत्तम मास था और मैंने व्रत लिया था कि एक निर्दिष्ट संख्या का नाम करने का,
और उसके बाद भोजन भी अलग तरीका से करने का एक नियम बनाया। महाराज जी को जब पता चल गया, लेकिन महाराज जी के थाली में से जो अवशेष रह जाता था गुरु जी का और महाराज जी का, थोड़ा थोड़ा वो जरूर ले लेता था, महाप्रसाद है। अब महाराज जी को जब ये बात पता चल गया कि ये मिर्च नहीं खा रहा है, नमक नहीं खा रहा है, चीनी नहीं खा रहा, कुछ नहीं खा रहा, कुछ उबाल के खाता है, जैसे जैसे जो भी होता है, महाराज जी बोलते हैं देखिए, हाथ को ऐसे ऐसे करके मुझे बोले थे बैठे बैठ के, देखिए हमको तो ये सब करने के लिए कभी समय मिला नहीं, लेकिन हम एक चीज समझता हूँ। मतलब क्या मारे बोलते हैं, देखो गुरुजी की सेवा, वैष्णवों की सेवा करने से, हरिनाम करने से हर तरह के साधन संपन्न हो जाते हैं। उन्होंने बोला जीवन भर हमने वही किया, हमारे पास ये सब करने का, मुझे पूछा था कि क्या कर रहा है, मैं महाराज जी को बोला कि मैं पुरुषचर्यन करने के लिए सोच रहा। वो एक साधना होता है पुरुषचरण, जो है चैतन्य चरितामृत में भी आता है, सनातन गोस्वामी ने करवाया था जब गृह त्याग करने से पहले। मैं सोचा कि महाराज जी मैं ये करने के लिए सोच रहा हूँ, पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है, बड़ा विशेष है, आपका आशीर्वाद भी चाहिए। तब महाराज जी ने ये बात बोला था, हम तो कभी ये सब करने का हमें समय मिला ही नहीं। कई संदर्भों में महाराज जी ने इस तरह की बातें कही है, बोलते हैं हमको तो ऐसी मौका मिला नहीं, सेवक कम थे, सेवा ज्यादा था, हमको करना पड़ता था, इस कारण से हमें इस तरह का कोई भी व्रत हम कर नहीं पाए, लेकिन वैष्णव सेवा से सर्वसिद्धि होता है ये हम लोग समझ पाए हैं, अनुभव कर पाए, ऐसे महाराज जी ने उस समय बोला। और एक संदर्भ में रिकॉर्डिंग को लेकर के, जैसे हम रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं उस चीज को लेकर के भी महाराज जी ने बोला था, बोलते हमारे पास तो बहुत ज्यादा अध्ययन करने के लिए हर एक के पास ग्रंथ भी नहीं जैसे आज उपलब्ध है, ग्रंथ भी कहाँ है, गरीब है, मठ में ज्यादा पैसा थे नहीं। शिला भक्ति वैभव अरण्य गोस्वामी महाराज जी वो हमेशा जब अपने लिए संबोधन करना होता था वो बोलते थे हम गरीब का बच्चा है, मतलब है कि बाह्य दृष्टि से हमारे पास कुछ था ही नहीं है। ये बात मैंने पूछा भारती महाराज जी से भी सुना, ऐसा नहीं है, जो भी वैभव आया बाद में आया, लेकिन जब हम गुरुजी के चरणों में आए थे तब गुरुजी के पास ये सारा वैभव इस तरीका से प्रकट नहीं था, वो तो गुरुजी का व्यक्तित्व था जिसके आकर्षण से उनका व्यक्तित्व का वैभव ऐसा प्रकाशमान हुआ है जिसके सामने हम लोग जो है आके उनके चरणों में शरणागत हो गए। लेकिन अगर हम देखें ये जागतिक वैभव कुछ है, बोलते कुछ था ही नहीं। तो जो हो वो क्या बोलते थे वहां पर कि हम तो गरीब का बच्चा है। और पूज्यपाद भारती महाराज जी यही बोलते थे कि ग्रंथ भी नहीं होते थे पढ़ने के लिए, छापा भी नहीं था, इतने सारे ग्रंथ नहीं छपे थे तब, और उसके बाद खरीदने के लिए पैसा भी नहीं होता था, इतना मुश्किल से आश्रम के अंदर जो एक आध सेट होता था जिसने थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, हमारे पास टाइम भी नहीं होता था। बोलते फिर भी आज सब सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बहुत कुछ जानता है। कैसे? महाराज जी ने बोला सिर्फ और सिर्फ गुरु वैष्णवों की सेवा का ही फल है ये, सब कुछ मिल जाता है। महाराज जी ने बोला कि हमने इतना ही कोशिश किया जो गुरु वैष्णवों का वाणी था उसको यहां रिकॉर्ड कर सके, और उसी का प्रभाव है आज जो कुछ भी हमें मिल रहा है। लोग सोचते हैं कि हम परम ज्ञानी हैं, इतनी विनम्रता के साथ महाराज जी ने, उनके बोलने का अंदाज जो है अलग तरीका से होता है, लेकिन महाराज जी के शब्दावली, उनका उनका भाव ये था, इसलिए बोले भक्त सेवा सबसे श्रेष्ठतम साधन है। धाम में रहकर भक्तों की सेवा में रहना, सदग्रंथों का अध्ययन करना,
ये सब तत्तत् कर्म के अंदर आता है, उसको करने वाला व्यक्ति भगवान का प्रिय होने के लिए उपयुक्त हो जाता है। वंचा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।